हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फार्मास्यूटिक्स के स्टरलाइजेशन एंड एसेप्टिक टेक्निक्स का जो हम लास्ट टॉपिक है दैट इज एसेप्टिक टेक्निक, उसको कवर करेंगे। अभी तक हमने जो जितनी भी प्रोसेसेस पढ़ी थी वो सारी स्टरलाइजेशन से रिलेटेड प्रोसेसेस पढ़ी थी कि उसके अंदर हमने फिजिकल प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेसेस और मैकेनिकल प्रोसेसेस डिस्कस की थी। हमने उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे कि कैसे हम किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को, कैसे हम किसी मेडिसिन को या कैसे हम किसी फूड प्रोडक्ट को लाइक पाश्चराइजेशन स्टरलाइज कर सकते हैं। अब हर वहाँ पे बीच में बहुत बार मैंने ये टर्म भी यूज़ किया है एसेप्टिक टेक्निक। एक्चुअली व्हाट आर द एसेप्टिक टेक्निक्स? एसेप्टिक टेक्निक्स एक्चुअली है क्या? एसेप्टिक टेक्निक्स जो वर्ड है, अगर हम इस वर्ड को तोड़ के लिखें तो इट कम्स फ्रॉम द ए प्लस सेप्टिक। सेप्टिक मतलब सेप्सिस। सेप्सिस होती है एक तरह की इन्फेक्शन, कि अगर हम जहां भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारा वर्किंग प्लेस है, उस वर्किंग प्लेस के अंदर हमें सारे के सारे जो टेक्निक्स हैं वो एसेप्टिक प्रोवाइड करनी है। एसेप्टिक टेक्निक्स कोई प्रोसीजर नहीं है स्टरलाइजेशन का। एसेप्टिक टेक्निक क्या है कि जैसे जहां आपने प्रिपरेशन बनानी है, आपने जिस पर्सन ने उस प्रिपरेशन को बनाना है, जहां स्टरलिटी टेस्टिंग करनी है, उस सारे एरिया को सेप्सिस फ्री करना, उस सारे एरिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना, बैक्टीरिया से फ्री करना, दैट इज कॉल्ड एज द एसेप्टिक टेक्निक्स। अब सबसे पहले जो एसेप्टिक टेक्निक्स है, एसेप्टिक टेक्निक्स की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, वेयर द एसेप्टिक टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड। एसेप्टिक जो टेक्निक्स है वो हमें जरूरत पड़ती है मेनली हॉस्पिटल्स के अंदर। These are mainly required in the hospitals. Hospitals में जहाँ भी जैसे जो क्लोथ्स हैं, क्लोदिंग जो यूज हो रही है हॉस्पिटल में जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, या हॉस्पिटल के अंदर कोई फ्यूमिगेशन एरिया है, तो उसको एसेप्सिस करने के लिए, उसको एसेप्टिक बनाने के लिए, माइक्रोब फ्री बनाने के लिए हम एसेप्टिक कंडीशंस यूज करते हैं, या जैसे जहाँ हमने स्टरलिटी टेस्टिंग करनी है वहाँ हमें एसेप्टिक कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन एसेप्टिक कंडीशंस को समझने से पहले हमें जो एक पॉइंट दिमाग में लेके आना है, या एक पॉइंट जो हमने स्टडी करना है, दैट इज अ सोर्स ऑफ द कंटेमिनेशंस। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द कंटेमिनेशन? सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन कि जो हमारा वर्किंग एरिया है, उस वर्किंग एरिया के अंदर जो कंटेमिनेशन का सोर्सेज है, कंटेमिनेशन मतलब माइक्रोब वहां पर कहां से आ सकते हैं, सेप्सिस वहां पे कहां से हो सकती है, बैक्टीरिया या स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री कहां से हो सकती है, अगर हमें इन सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन का पता होगा तभी हम एसेप्टिक टेक्निक्स को मेंटेन कर पाएंगे। अब सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन कहां से हो सकती है? इट मे बी फ्रॉम द एयर, क्योंकि एयर है, एयर के अंदर हमें पता है कि डस्ट से हो सकता है। एयर के अंदर कोई भी सिंपल पार्टिकल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, इस तरह से एयर के थ्रू हमारी किसी भी कोई भी तरह की कंटेमिनेशन हो सकती है। सेकंड जो कंटेमिनेशन के चांसेस हैं दैट इज द ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द जैसे कोई भी हैंडलिंग पर्सन है, ऑपरेटर है, अगर उसको कोल्ड है, कफ है, स्नीजिंग है, किसी तरह की वायरल इन्फेक्शन है, तो एक वो के ऑपरेटर भी एक सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन का कैरियर हो सकता है। जो तीसरा इसमें है कि बैक्टीरियल जो कंटेमिनेशन के चांसेस हैं, जैसे क्लोदिंग या जो भी एक्स्ट्रा आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हो, वो भी एक आपके कंटेमिनेशन के सोर्स हो सकते हैं। तो अगर आपको सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन का पता है कि इस चीज से कंटेमिनेशन हो सकती है, तो हम सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन को अवॉइड करके या उनको उन कंडीशंस को दिमाग में रख के हम एसेप्सिस का जो एरिया है वो मेंटेन कर सकते हैं। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं एसेप्टिक टेक्निक्स के? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एसेप्टिक टेक्निक्स? कंपोनेंट्स ऑफ एसेप्टिक टेक्निक्स
कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर का आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, हेपा फिल्टर बोलते हैं इसको, या लैमिनार एयर फ्लो बेंच बोलते हैं, लैमिनार एयर फ्लो बेंच, या इसको हम क्या बोलते हैं, हेपा की जो फुल फॉर्म क्या है, हेपा की फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, ये होता है हेपा फिल्टर। तो ये जो हेपा फिल्टर है, हेपा फिल्टर का मेन पर्पस एक्चुअली उसमें क्या है, हेपा फिल्टर इसका नाम तो आप लोगों ने बहुत जगह सुना भी होगा, बहुत से पढ़ा भी होगा स्टरलाइजेशन टेक्निक में कि व्हाट इज द हेपा फिल्टर। इवन प्रैक्टिकल वाइवा बॉयज में हेपा फिल्टर की फुल फॉर्म पूछी भी जाती है कि व्हाट इज द हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर एक्चुअली एक वर्टिकल या आप ये कह सकते हो कि एक वर्किंग प्लेस प्रोवाइड करता है। जैसे सपोज आपने किसी एक रूम के अंदर सारी कोई स्टरलाइज प्रिपरेशन प्रिपेयर करनी है, स्टरलाइज प्रिपरेशन में जैसे पेरेंटल्स आ जाएंगे, आई प्रिपरेशंस आ जाएंगे, इन्फ्यूजन्स आ जाएंगे, इंजेक्शंस आ जाएंगे, तो उनको प्रिपेयर करने के लिए जो आपकी वर्किंग स्पेस है, जो आपका वर्किंग एरिया है, वो भी एसेप्टिक होना चाहिए। वो वर्किंग एरिया आपका माइक्रोबियल फ्री होना चाहिए या हम कह सकते हैं स्टरलाइज होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी भी फॉर्म में अवेलेबल है, कैबिनेट की फॉर्म में, या ये पूरे छोटा भी कह सकते हो कि रूम, छोटे रूम के फॉर्म में भी वर्किंग प्लेस आपको प्रोवाइड करता है। एक्चुअली हेपा फिल्टर के अंदर क्या होता है, फिल्टर टेक्निक, फिल्ट्रेशन टेक्निक होती है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। एक फिल्टर लगा होता है, वो फिल्टर क्या करता है, इट विल रिलीज द बैक्टीरिया प्रूफ एयर, इट विल रिलीज द बैक्टीरिया प्रूफ एयर टू वर्किंग एरिया। जो हेपा फिल्टर के जो पोर साइज है, वो पोर साइज को इस तरह से मेंटेन किया जाता है या इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसमें से जो एयर पास होगी, एक रूम की, एक बंद रूम की जो एयर पास होगी, वो एयर में जितने भी बैक्टीरिया होंगे, जितने भी माइक्रोब्स होंगे, वो उन सब बैक्टीरिया से फ्री करके बैक्टीरिया प्रूफ जो एयर है वो हमारे वर्किंग एरिया को या वर्किंग स्पेस को प्रोवाइड करेगा। इस तरह से हमारा जो रूम है, हमारा वर्किंग एरिया है, उसको स्टरलाइज करने के लिए हेपा फिल्टर की जरूरत पड़ती है। ये जो हेपा फिल्टर है, इट मस्ट बी चेक्ड टाइम टू टाइम, इसको टाइम टू टाइम चेक भी करना पड़ता है कि जो इसका फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन टेक्निक है या फिल्ट्रेशन वाला पार्ट है, वो प्रॉपर काम करता भी है नहीं। क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो एसेप्टिक, जो वर्किंग एरिया, वही एसेप्टिक नहीं होगा तो बाकी उसमें स्टरलाइज प्रिपरेशन बनाने का कोई मीनिंग नहीं होगा। अब सेकेंड जो इसके अंदर स्टेप है, दैट इज द एंट्री प्रोसीजर। नेक्स्ट इज द एंट्री प्रोसीजर। एंट्री प्रोसीजर का क्या मीनिंग है, अब जैसे सपोज आपने एरिया है जहां आपने स्टरलाइजेशन करनी है या जहां आपने स्टरलाइज प्रिपरेशन बनानी है, ऐसा नहीं है कि एक छोटा रूम है उसका एकदम से आपने डोर खोला और आप उसमें एंटर करके, नहीं, उससे तो क्या होगा कि बैक्टीरियल कंटामिनेशन के या माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस उसके केस में तो होंगे ही होंगे। तो उस केस में क्या होता है कि जो हेपा फिल्टर के, जहां भी आपका हेपा फिल्टर लगा हुआ है, जहां भी आपका एसेप्टिक एरिया है, उस एसेप्टिक एरिया के बाहर तीन तरह के केबिन बनाए जाते हैं। फर्स्ट केबिन है इसके अंदर ब्लैक एरिया, ब्लैक एरिया। सेकेंड जो केबिन है उसके बाद, दैट इज द ग्रे एरिया। थर्ड जो कैबिन है उसके बाद, दैट इज द वाइट एरिया। देन एसेप्टिक रूम, उसके बाद एसेप्टिक रूम होगा। अब जो ब्लैक एरिया है, ब्लैक एरिया किस लिए होता है, ब्लैक एरिया इट इज जस्ट टू रिमूव द ऑर्नामेंटल्स। अगर कोई ऑर्नामेंटल्स किसी ने पहने हुए हैं, कोई ज्वेलरी पहनी हुई है, ऑर्नामेंट्स
या जस्ट टू रिमूव द आउटर क्लोथिंग्स, आउटर क्लोथिंग्स को रिमूव करने के लिए, या जस्ट टू रिमूव द जैसे शूज या कुछ भी इस तरह से, क्योंकि माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस तो उससे हो सकते हैं. Then you will enter the grey area. Grey area के अंदर क्या होता है? You will use the disinfectant. हम इसके अंदर disinfectant use करेंगे. Disinfectant use करेंगे for closing the hands, for closing the face, या for अगर हमने कोई और clothing अगर हमने change करनी है, तो उस clothing को change करने का जो area है, वो है हमारा grey area. Then we will enter through the white area. और वाइट एरिया में एंटर करने के बाद हम एसेप्टिक रूम में एंटर करेंगे. इसका मतलब कि जब हम एसेप्टिक रूम में एंटर करना है, तो हमें इन थ्री कैबिन्स में से पास आउट होकर हमें एसेप्टिक एरिया में एंटर करना है, सो दैट द ऑपरेटर हिमसेल्फ मस्ट आल्सो बी फ्री फ्रॉम द एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये सारी चीजें भी आपको माइंड में रखनी है कि एसेप्टिक एरिया का एंट्री प्रोसीजर क्या होगा. नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है, दैट इज द क्लोथिंग. क्लोथिंग का क्या मतलब है कि अब जो ऑपरेटर है, जिस ऑपरेटर ने उसको ऑपरेट करना है, जिस ऑपरेटर ने आपकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस बनानी है, या कोई भी स्टरलाइजेशन एसेप्टिक एरिया में सपोज काम करना है, या कोई असिस्टेंट भी है, तो उसकी क्लोथिंग क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो जो उसने क्लोथ्स पहने हुए हैं, दैट क्लोथ्स मस्ट बी प्रॉपरली वॉश्ड विद द डिसइंफेक्टेंट. डिसइंफेक्टेंट से प्रॉपरली वॉश होना चाहिए. उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई फाइबर्स की शेडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई फाइबर्स ना कि उसमें से निकलता हो, कोई धागे ना निकलते हो, क्योंकि वो भी एक कंटामिनेशन के चांसेस हैं. दूसरा, क्लोथ्स मस्ट बी प्रॉपरली फिटेड. फिटेड क्लोथ्स होने चाहिए, दे मस्ट नॉट बी द लूज, क्योंकि लूज होंगे तो अगर सपोज आपने कोई फ्लेमेबल, कोई ऐसे फायर के ऊपर कोई काम करना है, कुछ भी है, तो जितने ज्यादा लूज क्लोथ्स होंगे तो उसके अंदर एक्सीडेंटल चांसेस ज्यादा होंगे. थर्ड वन, जो आपने क्लोथ्स उसमें वियर करने हैं, कैरी करने हैं, वो क्लोथ्स आपके नॉन इन्फ्लेमेबल होने चाहिए. ऐसे जो रेशमी या सिल्की जो क्लोथ्स हैं, दे शुड बी अवॉइडेबल. कॉटन क्लोथ्स शुड बी वियर, क्योंकि जो सिल्की या कॉटन सिल्की क्लोथ्स होते हैं, वो बड़ी जल्दी आपको पकड़ लेते हैं, इसलिए दैट टाइप ऑफ क्लोथ्स मस्ट बी अवॉइडेड. हेड मस्ट बी कवर्ड प्रॉपरली, क्योंकि हेयर्स हैं, हेयर फॉलिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस हो सकते हैं. दूसरा, ग्लव्स शुड बी प्रॉपरली वियर, ग्लव्स होने चाहिए. एंड एप्रन एंड मास्क दे शुड ऑल्सो बी, क्योंकि मास्क और एप्रन आपके प्रोटेक्टिंग के लिए है, और मास्क ताकि किसी भी तरह की अगर वहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से या थ्रोट इन्फेक्शन के चांसेस ऑपरेटर को भी ना हो. सो दीज आर द क्लोथिंग. नेक्स्ट जो स्टेप है इसके अंदर, दैट इज द पर्सनल केयर. पर्सनल केयर की मतलब जो ऑपरेटर उसको हैंडल कर रहा है, उस ऑपरेटर को भी अपनी पर्सनल केयर, मतलब अपनी तरफ से थोड़ी केयर होनी चाहिए, क्योंकि उसे वेल ट्रेन्ड जो है स्टाफ, हमें एसेप्टिक एरिया के अंदर ही काम करता है, क्योंकि अगर जिस स्टाफ को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की कंडीशन नहीं पता, या जिसे यही नहीं पता कि एसेप्टिक एरिया के अंदर हमें काम कैसे करना है, तो इसका मतलब कि वो पर्सनल केयर भी एक इसके अंदर मेन पॉइंट है. सबसे बड़ा पर्सनल केयर का पॉइंट है वेल ट्रेंड स्टाफ का, मतलब है कि जैसे सपोज आपके पास वहाँ 100 बीकर्स पड़े हैं, लेकिन आपको काम करने के लिए सिर्फ 2 या 4 बीकर्स की जरूरत है, काम करने के लिए आपको सिर्फ 2 या 4 टेस्ट ट्यूब्स की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे सारा अपरेटस है जो उसको टच करेंगे. आपको सिर्फ वही अपरेटस टच करना है जिस अपरेटस की आपको जरूरत है, अननेसेसरीली थिंग्स को आप टच ना करें. दूसरा, जब भी आप स्टरलाइज एरिया के अंदर या एसेप्टिक एरिया के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो यू शुड ऑल्सो अवॉइड द कॉन्टेक्ट ऑफ योर हैंड्स विद द नोज, विद योर आईज, विद योर माउथ, सो दैट यू शुड ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी सच टाइप ऑफ द कंटेमिनेशन. तो कुछ ऐसे पर्सनल केयर हैं जो स्टाफ को खुद भी पता होने चाहिए. तो ये थे सारे हमारे एसेप्टिक टेक्निक्स के कंपोनेंट्स की. सबसे पहले तो हमने ये इसमें डिस्कस किया कि एसेप्टिक टेक्निक्स एक्चुअल में होती क्या है, कि वो कोई स्टरलाइजेशन प्रोसेस नहीं है, वो टेक्निक्स हैं कि कैसे हमने स्टरलाइज्ड एरिया के अंदर, हमने एसेप्टिक एरिया के अंदर काम करना है. सेकेंड है, सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन हमें पता होनी चाहिए. थर्ड है कि कंपोनेंट्स ऑफ एसेप्टिक टेक्निक. कंपोनेंट्स में फर्स्ट जो कंपोनेंट
कंपोनेंट है दैट इज हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर का मेन पर्पज है कि वर्किंग एरिया को स्टरलाइज करना। सेकेंड वन इज द एंट्री प्रोसीजर, जब हम एंटर करेंगे तो ब्लैक एरिया, ग्रे एरिया, व्हाइट एरिया और एसेप्टिक रूम, इनके थ्रू पास आउट करना। थर्ड है हमारा क्लोथिंग, फोर्थ है हमारा पर्सनल केयर और द ऑपरेटर केयर कि किस तरह से हमने मतलब कि एसेप्टिक एरिया के अंदर काम करते हुए कुछ चीजें दिमाग में रखनी है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज द स्टरलाइजेशन ऑफ द सर्जिकल ड्रेसिंग्स। स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स, अब सर्जिकल ड्रेसिंग्स की आपने स्टरलाइजेशन करनी है। सर्जिकल ड्रेसिंग्स एक्चुअली होती क्या है? सर्जिकल ड्रेसिंग्स हैं जैसे जो भी सर्जरी के टाइम में हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे वो सभी, जैसे सीजर्स, पेचुला या जो भी कटर या कैटगट, सूचर्स, नीडल्स या डिफरेंट टाइप की, जैसे सर्जिकल ड्रेसिंग्स में जो भी कॉस, बैंडेज, कॉटन, जितने भी टाइप के मटेरियल हम ड्यूरिंग द सर्जरी यूज करते हैं हमने उनको स्टरलाइज करना है। आपके सिलेबस में ये टॉपिक है कि स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड स्टरलाइजेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड। तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के इसके जो छोटे छोटे स्टेप्स ही हैं उन स्टेप्स को अपने आप इलेबोरेट कर सकते हो। सबसे पहले तो है फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स फॉर द स्टरलाइजेशन। प्रिपरेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स फॉर स्टरलाइजेशन। अब प्रिपरेशन का क्या मीनिंग है कि जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स हैं, जैसे आपने सपोज बैंडेज को स्टरलाइज करना है, आपने सपोज सीजर्स को स्टरलाइज करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप एसेप्टिक एरिया के अंदर या जहां भी आप उसको स्टरलाइज कर रहे हो, ऑटोक्लेव में स्टरलाइज कर रहे हो या ओवन में या रेडिएशन से, कि आप उसको डायरेक्ट रखेंगे। नहीं, आपने सबसे पहले ये चूज करना है कि आपने कौन से टेक्निक से उसको स्टरलाइज करना है, उसके बाद आपने उसकी प्रॉपर पैकिंग करनी है। पैकिंग जो भी आपका जो ब्राउन पेपर है या जो भी पैकिंग पेपर है वो भी आपका प्रॉपर स्टरलाइज होना चाहिए और 2 और 3 इसकी प्रॉपर पैकिंग करनी है। पैकिंग आपकी इस हिसाब से होनी चाहिए कि वो छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स होने चाहिए, बड़े बड़े लार्ज पैकेट्स में आपने उसको पैकिंग नहीं करनी है। सेकेंड वन इज द लोडिंग ऑफ द ट्रे। लोडिंग ऑफ ट्रे, अब आपने जिस भी प्रोसीजर से स्टरलाइजेशन करनी है, सपोज अगर आपने ऑटोक्लेविंग से स्टरलाइजेशन करनी है तो आपने उसके ट्रे के अंदर सारी कंडीशंस मेंटेन करके, जैसे सपोज आपने स्टीम स्टरलाइजेशन करनी है तो स्टीम स्टरलाइजेशन की मैंने आपको डिफरेंट कंडीशंस बताई थी कि 121 डिग्री सेल्सियस है, 126 डिग्री सेल्सियस है, 134 डिग्री सेल्सियस है, और उसके टाइम भी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे टाइम डिक्रीज होता है। तो जब वो सारा उसके अंदर कंडीशंस मेंटेन हो जाती हैं, प्रेशर मेंटेन हो जाता है, आप उसमें ट्रे को प्रॉपर लोड करेंगे। लोड हम ट्रे को इस हिसाब से करेंगे कि उसमें ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। ओवरलोडिंग होगी तो ऑब्वियसली हर मटेरियल की प्रॉपर स्टीम नहीं पेनिट्रेट होगी, और प्रॉपर स्टीम नहीं पेनिट्रेट होगी तो आपका मटेरियल प्रॉपर स्टरलाइज नहीं होगा, और छोटे पैकेट्स होंगे तो उसकी स्टरलाइजेशन करनी ईजी होगी। नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक है दैट इज द स्टरलाइजेशन साइकिल। स्टरलाइजेशन साइकिल का मीनिंग है कि इसके अंदर हमने कितने टाइम के लिए उसको लोड करना है, कि जैसे अगर सपोज स्टीम स्टरलाइजेशन करते हैं तो 121 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको 30 मिनट्स के लिए स्टरलाइज कर सकते हैं, 126 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप इसको 20 मिनट्स के लिए स्टरलाइज कर सकते हैं, और 134 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप इसको 3 मिनट्स के लिए स्टरलाइज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम 134 पे ही करके इसको एकदम से 3 मिनट में स्टरलाइज करें, क्योंकि कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो इतना हाई टेम्परेचर अफोर्ड ना कर पाए, तो इसलिए हमें मटेरियल के अकॉर्डिंग हमें उसकी कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप फोर्थ दैट इज द रिमूवल ऑफ द मटेरियल। रिमूवल ऑफ मटेरियल, अब आपका जो मटेरियल है वो स्टरलाइज हो गया। स्टरलाइज होने के बाद ये नहीं है कि आपने एकदम से अपना ऑटोक्लेव खोला या जिसमें सपोज जहां भी स्टरलाइज कर रहे हो आपने अपना प्रेटस खोला और उसको बाहर एकदम से आपने निकाल लिया। नहीं, आपने उसको डायरेक्ट एयर के अंदर नहीं लेके आना। सबसे पहले तो आपने सपोज अगर आप
फोर्थ ईयर के अंदर स्टरलाइजेशन कर रहे हो तो उसके अंदर आपने उसकी नॉर्मल कंडीशंस को मेंटेन करना है, प्रेशर रिलीज करना है। सपोज उसको 40 डिग्री सेल्सियस तक आपने उसको लेके आना है। जब उसका टेम्परेचर और प्रेशर नॉर्मली मेंटेन हो जाए उसके बाद आप अपने अपरेटस खोलिए। अपरेटस खोलने के बाद आप अपना उसमें से जो मटेरियल है उसको अनलोड कीजिए। अनलोड करने के बाद आप अपने उस मटेरियल को जिनके अंदर भी आपने पैक करना है, सपोज छोटे बॉक्सेस हैं, कार्टून्स हैं, एसेप्टिक एरिया के अंदर आप उनकी प्रॉपर पैकिंग करिए। तो ये है प्रोसीजर आपका स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स। इसी तरह से जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टरलाइजेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स, इसी से हम यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं कि ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स की स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं। ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स क्या होते हैं, जैसे सपोज डेक्सट्रोज सॉल्यूशन है या जो ग्लूकोज की बॉटल्स होती हैं या जो सुपर नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशंस हैं जो हम ड्रिप लगाते हैं उनको हम ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स कहते हैं। उनकी स्टरलाइजेशन के भी सेम ही स्टेप है कि आपने कैसे कैसे उनको फॉलो करना है। इसमें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के स्टरलाइजर्स अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी। उसी तरह से आपने अपने जो ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स हैं वो आपके जो प्लास्टिक बैग्स या बोटल्स के अंदर होंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर आप बहुत हाई टेम्परेचर पे स्टरलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो प्लास्टिक मटेरियल है तो उसकी लीचिंग भी हो सकती है या वो आपकी बोटल्स जो है डैमेज भी हो सकती है। उसमें उसी तरह से आपने सबसे पहले अपने मटेरियल को प्रॉपर पैक करना है, प्रॉपर सील करना है और आपने चेक करना है कि उसमें किसी भी तरह की कोई लीकेज ना हो। देन डू द लोडिंग ऑफ द ट्रे। ट्रे की लोडिंग के बाद आपने स्टरलाइजेशन साइकिल, अब इसमें जो स्टरलाइजेशन साइकिल की कंडीशन क्या है, दैट इज द 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। इस कंडीशन के ऊपर आप इसके स्टरलाइजेशन करेंगे और ये ध्यान रखिए क्योंकि प्रेशर अगर हाई होगा तो हाई प्रेशर से जो हमारी बोतल है इट मे बी ओपन। अगर बोतल ओपन हो गई तो आपकी वो सारी प्रोसेस जो भी आपने मटेरियल बनाया दैट विल बी द वेस्टेज। और उसके बाद देन रिमूवल ऑफ द मटेरियल। रिमूवल ऑफ मटेरियल वही नॉर्मल कंडीशंस पे लेके आपने मटेरियल को फिर से रिमूव करना है। लेकिन आजकल कुछ एक न्यू टेक्निक्स आ गई है कि मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं उसके ऊपर कोल्ड वाटर का स्प्रे करते हैं, स्टरलाइज वाटर का, ताकि वो जल्दी से अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए एंड देन वी विल अगेन रीपैक दैट मटेरियल इनटू देयर पर्टिकुलर स्टरलाइज कंटेनर। तो ये था हमारा एसेप्टिक टेक्निक का टॉपिक। इसमें एसेप्टिक टेक्निक के ऊपर कंप्लीट नोट भी आ सकता है, एसेप्टिक टेक्निक के कंपोनेंट्स के ऊपर भी नोट आ सकता है या छोटे क्वेश्चंस की स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स या स्टरलाइजेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स इनके ऊपर भी आपका डिफरेंट डिफरेंट नोट आ सकते हैं। तो यहाँ ये हमारा स्टरलाइजेशन का टॉपिक आज कंप्लीट होता है, स्टरलाइजेशन एंड एसेप्टिक टेक्निक्स का। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम टैबलेट्स कंटिन्यू करेंगे।